हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। तो अगर आप मेरे रेगुलर व्यूअर हैं तो आप जानते हैं कि मैं आपके साथ बहुत सारे क्लीनिंग प्रोडक्ट के रिव्यू शेयर करती रहती हूं। तो आपका कमेंट आया था कि मैं आप सबके साथ हार्पिक बाथरूम क्लीनर का रिव्यू शेयर करूं। तो आज का वीडियो डेफिनेटली होने वाला है हार्पिक बाथरूम क्लीनर के रिव्यू पे। तो फिर चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। तो मैं सबसे पहले आपको इस प्रोडक्ट की पैकेजिंग दिखा देती हूँ। आपको रेड कलर की बोतल पे वाइट कलर की कैप मिल जाती है और सामने ही आपको लिखा हुआ मिलता है कि हार्पिक डिसइंफेक्ट बाथरूम क्लीनर, जो कि 3-in-1 फॉर्मुलेशन पे बेस्ड है, जो टफ स्टेन्स को रिमूव करेगा और 99% जर्म्स को क्लीन करेगा, काफ़ी अच्छी शाइन भी लेके आएगा। इसकी बोतल पे मेंशन है कि आप इसको फ्लोर्स पे यूज़ कर सकते हैं, टाइल्स पे यूज़ कर सकते हैं, सिंक पे यूज़ कर सकते हैं, पर आप इसको टॉयलेट बाउल्स को क्लीन करने के लिए यूज़ नहीं कर सकते हैं। और इसके बोतल पे ये मेंशन है कि अगर आप रेगुलर क्लीनिंग कर रहे हैं अपने बाथरूम फ्लोर को, टाइल्स को, तो आप इसको वाटर के साथ डाइल्यूट कर सकते हैं और फिर स्क्रब कर लें और रिंस कर दें। लेकिन अगर टफ स्किन है और आपको बेटर रिजल्ट चाहिए तो आप इसको अनडाइल्यूट करके भी यूज़ कर सकते हैं। और हार्पिक डिसइंफेक्टेड बाथरूम क्लीनर सुटेबल है बाथरूम सरफेस के लिए, पर आप इसको एलुमिनियम सरफेस पे, ब्रास या कॉपर सरफेस पे यूज़ ना करें। और जब आप इस प्रोडक्ट को यूज़ कर रहे हैं तो पहले स्मॉल एरिया पे इसकी टेस्टिंग कर लें, उसके बाद ही इसको यूज़ करें। उसकी बोतल पे ये मेंशन है कि आप इसको बच्चों की रीच से दूर रखें, और अगर किसी भी तरह का आपको ईचिंग की प्रॉब्लम हो रही है तो आप डेफिनेटली डॉक्टर से कंसल्ट कर लें। और आपको इस प्रोडक्ट को किसी भी एसिड के साथ या किसी भी हाउसहोल्ड प्रोडक्ट के साथ मिक्स नहीं करना है। तो अब हमने इस प्रोडक्ट के बारे में सब कुछ जान लिया है, तो अब बारी है इस प्रोडक्ट की टेस्टिंग की। तो फिर चलिए इसके अपने बाथरूम की टाइल्स को आस ऑफ करते हैं। तो मैं आपको बाथरूम दिखा रही हूँ जिसकी सरफेस पे स्वाइलिंग है। मैं इस प्रोडक्ट को डाइल्यूट नहीं कर रही हूँ, लेकिन अगर आप चाहें तो इसको डाइल्यूट कर सकते हैं। मैंने इस प्रोडक्ट को डायरेक्टली ही अपनी बाथरूम की टाइल्स की सरफेस पे यूज़ किया है। तो मैं आपको इस प्रोडक्ट की कंसिस्टेंसी दिखा देती हूँ। तो आप वीडियो में देख रहे हैं कि ये थिक और ट्रांसपेरेंट कंसिस्टेंसी में मिलता है, और मैंने प्रॉपरली इसको बाथरूम की टाइल पर स्प्रेड कर दिया था। और थोड़े टाइम के लिए ऐसे ही छोड़ दिया था। उसके बाद मैंने इसको प्रॉपरली स्क्रब कर लिया है, और जब मैं इसको स्क्रब कर रही थी तो बहुत ही ज़्यादा फोम क्रिएट हो रहा था, जो कि आप वीडियो में देख रहे होंगे।
और प्रॉपरली स्क्रब करने के बाद मैंने अपने बाथरूम की टाइल्स को प्लेन वाटर से साफ कर लिया है। अब आप रिजल्ट खुद ही देख सकते हैं कि कितनी अच्छी तरह इसने मेरे बाथरूम की टाइल्स को क्लीन कर दिया है। बाथरूम की टाइल्स पे जो लगी हुई सॉइलिंग थी उसको इसने कम्प्लीटली रिमूव कर दिया है। हार्पिक डिसइंफेक्टेंट बाथरूम क्लीनर मैंने लेमन फ्रेग्रेंस में ऑर्डर किया था। इस प्रोडक्ट की फ्रेग्रेंस मुझे काफ़ी पसंद आई है और इसकी बोतल पे ये मेंशन है कि ये सिंक्स के लिए भी सुटेबल है। तो मैं आपको अपनी सिंक दिखा रही हूँ जिसको मैं इससे आज क्लीन करने वाली हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि मैं जिस एरिया में रहती हूँ वहाँ पर हार्ड वाटर की प्रॉब्लम है, इसलिए मेरी जो टैप्स है उस पर हार्ड वाटर के स्टेन्स लग जाते हैं। तो मैं उसको एटमिक टैप क्लीनर से क्लीन करती हूँ। इसका डिटेल रिव्यू मेरे चैनल पे अपलोड है, आपको आई बटन पे भी मिल जाएगा। पर आज मैं साफ़ करने वाली हूँ अपनी सिंक को हार्पिक बाथरूम क्लीनर से। तो मैंने इसको डायरेक्टली ही अपनी सिंक पे अप्लाई कर दिया है। और इसको मैं प्रॉपरली स्क्रब करती जा रही हूँ। उसके बाद मैंने अपनी सिंक को प्लेन वाटर से वॉश कर लिया है। अब आप खुद देख सकते हैं कि इसने मेरी सिंक को कितना ज़्यादा साफ कर दिया है। तो अब मैं आपको इस प्रोडक्ट की प्राइसिंग बता देती हूँ। तो इसकी 1 लीटर की बोतल पे 172 रुपीज़ मेंशन है और इस प्रोडक्ट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। तो मैंने आज आपके साथ हार्पिक डिसइंफेक्टेंट बाथरूम क्लीनर का रिव्यू शेयर किया है। अगर आपकी इस प्रोडक्ट की रिगार्डिंग कोई और क्वेरी है तो आप मुझसे डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और मुझे बता सकते हैं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर आपको वीडियो थोड़ी भी यूज़फुल लग रही है तो जल्दी से कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, और हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।